प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन बहुत ही भाई बढ़िया बनाया गया है। एक देख सकते हैं आप लोग प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन, और इसके जस्ट बगल में इस साइड में देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर है दारागंज रेलवे स्टेशन। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। कैसे आप सभी लोग, आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। और मैं इस समय हूँ प्रयागराज, और आप लोग देख सकते हैं प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन बहुत ही भाई बढ़िया बनाया गया है। यहाँ पर पार्किंग एरिया भी है, यहाँ पर पार्किंग एरिया है उस साइड में, ये देख सकते हैं आप लोग संगम रेलवे स्टेशन के पास में। और आप लोग को दिखाने वाला हूँ प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है PGYS, और इस स्टेशन का जो पूर्व नाम है प्रयागराज घाट रेलवे स्टेशन का। चलिए चलते हैं, ब्लॉक को शुरू करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन, जिसका निर्माण कुंभ से पहले 2019 में किया गया था। तो चलिए चलते हैं, ब्लॉक को शुरू करते हैं। प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन के बाहर का व्यू देख सकते हैं, उस साइड है प्रवेश एंट्री गेट, और ये सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर है एग्जिट गेट भाई। तो इसी से चलेंगे हम लोग अंदर स्टेशन की तरफ में। चलिए चलते हैं आगे, और यहाँ पर आपको आप दो डिस्प्ले देख सकते हैं, डिजिटल डिस्प्ले एक उस साइड और एक इस साइड में, जिसपे ट्रेनों का टाइम टेबल अपडेट किया जाता है। और भाई ये अभी 2019 में यह स्टेशन बना था, जो कि काफ़ी बढ़िया बना है भाई। यहाँ पर आपको रिजर्वेशन और अनारक्षित और आरक्षित दोनों टिकट यहाँ पर मिल जाएगा। मैं चलिए आप लोग को दिखा देता हूँ, बाहर का व्यू देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। और ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर आरक्षण केंद्र लिखा गया है, रिजर्वेशन काउंटर, ये सामने आप देख सकते हैं। पहले मैं आप लोग को राइट साइड का व्यू दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको लोग को मैं लेफ्ट साइड का व्यू दिखाऊंगा। देख सकते हैं आप लोग अंदर का व्यू, ऊपर आपका जलपान गृह है और वातानुकूलित प्रतीक्षालय है महिला का। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग बहुत सारे यहाँ पर पैसेंजर अपना वो बैठे हुए हैं, और सामने आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लगा है आपका एक डिजिटल बोर्ड, जिसपे टाइम टेबल ट्रेनों का अपडेट किया जाता है। आगे है टॉयलेट प्रसाधन इस साइड में, यहाँ पर देख सकते हैं पे एंड यूज सामने लिखा हुआ है, पे एंड यूज इधर जा करके आप कर सकते हैं। और इस साइड में आपका है टिकट काउंटर, आपको अनारक्षित टिकट काउंटर इधर मिलेगा, और इंक्वायरी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इस साइड में है पूछताछ केंद्र, और ये है अनारक्षित टिकट खिड़की, ऑटोमेटिक टिकटिंग वेंडिंग मशीन। और इसमें जो टाइम है भाई देख सकते हैं आप लोग 4:26 हो रहे हैं, ये देख सकते हैं आप पूरा व्यू यहाँ का। सामने है प्लेटफार्म संख्या 1, 2, 3 और 4, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ बारी बारी से। और भैया आप लोग देख सकते हैं प्लेटफार्म नंबर 1, यहाँ देख सकते हैं आप लोग प्रयागराज संगम लिखा हुआ है। अभी पूरा स्टेशन भाई प्लेटफार्म देख सकते हैं आप लोग पूरी तरह से खाली है, अभी कोई ट्रेन नहीं लग रही है, इसलिए प्लेटफार्म खाली है। और उस साइड है प्लेटफार्म नंबर 2, उसके बगल में प्लेटफार्म नंबर 3, और उसके बगल में प्लेटफार्म नंबर 4। तो मैं आप लोग को प्लेटफार्म नंबर 4 से भी व्यू दिखा दूंगा, फिलहाल मैं आप लोग को प्लेटफार्म संख्या 1 से व्यू दिखा देता हूँ। स्टेशन की साफ़ सफाई देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, काफ़ी अच्छे से की गई है। और देखिए कोई बैठा नहीं भाई, फिर भी फैन चल रहा है यहाँ पे। हाँ, नीचे एक ही चीज़ है कि ग्रेनाइट पत्थर नहीं लगाया गया। जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था और यहाँ का ब्लॉग बनाया था भाई, तो अभी टीन सेट नहीं लगा था, आप देख सकते हैं आप लोग लग गया है। तो आने वाले समय में जैसे महाकुंभ से पहले कुछ ज़्यादा परिवर्तन यहाँ देखने को आपको नहीं मिलेगा भाई। प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन पर आपको एक ही फुट ओवरब्रिज मिलेगा प्लेटफार्म नंबर 2, 3 पर, देख सकते हैं आप लोग जाने के लिए, इधर से भी आप जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक्सेलेटर नहीं मिलेगा भाई, ना लिफ्ट की सुविधा है यहाँ पर। फिर मैं आप लोग को ऊपर से व्यू दिखा देता हूँ, और ये आप लोग व्यू देख सकते हैं इस साइड का, मैं दूसरी साइड का भी व्यू दिखा देता हूँ आप लोग को। और आप लोग इस साइड का भी व्यू देख सकते हैं यहाँ से पूरा। और फिलहाल भाई फुट ओवर ब्रिज पे आप देख सकते हैं इस साइड में प्लेटफार्म नंबर 4, 5 पे जाने के लिए आगे क्लोज है, तो इसलिए आपको प्लेटफार्म नंबर 2 और 3 से ही जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं प्लेटफार्म नंबर 2 और 3 पे। भाई मेरे लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हैं प्लेटफार्म नंबर 4 इस साइड में, और इस साइड में मेरे राइट साइड में प्लेटफार्म नंबर 5, और उसके बगल में जो देख रहे हैं आप लोग
पटरी बिछाई गई है भाई, वो है वाशिंग लाइन। यहाँ पर ट्रेनों की साफ़ सफाई की जाती है। ये पूरा एरिया देख सकते हैं आप लोग, उस साइड भी देख सकते हैं, फुटब्रिज को बढ़ाया जा रहा है। यही पूरा है भाई संगम रेलवे स्टेशन का व्यू, प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन का व्यू भाई। एक देख सकते हैं आप लोग प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन, और इसके जस्ट बगल में इस साइड में देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर है दारागंज रेलवे स्टेशन। मतलब दोनों स्टेशन यहाँ पर एकदम पास में है। मान लीजिए 100 मीटर की दूरी है दोनों रेलवे स्टेशनों के बीच में। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन का व्यू, मैंने आप लोग को पूरी तरह से दिखाने की कोशिश किया भाई। और आई होप कि आप सभी लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और भाई मैं इसलिए दिखाता हूँ आप लोग को रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड या कहीं का प्लेस, अगर आप यहाँ आए तो आने से पहले अगर देखते हैं तो आपको कोई किसी स्टेशन हो या बस स्टैंड में कोई प्रॉब्लम ना हो भाई, प्लीज़ अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग के यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नए प्लेस पर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय प्रयागराज।